नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लाई हूँ मेरी सातवीं कक्षा के लिए पाठ नंबर 5, हिंदी का महत्व। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। परंतु प्रथम बार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिया गया था। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा कोई भी हो, केवल ये अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये चिंतन को भी प्रभावित करती है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। यदि भाषा में लोगों को आपस में एकजुट बांधने की क्षमता होती है, इसके द्वारा हमारे सबके अंदर एकता का भाव भी पैदा होता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये ताकत ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी को अपनी राज्य भाषा से बड़ा प्यार होता है। जैसे कि आप देखते हो कि एक भाषा सुन के हम कहते हैं तुम तो मेरी जैसी बोली बोलते हो, तो एकता की भावना से पैदा हो जाती है, है ना। इस वैसे तो काफ़ी भाषाएं बोली जा रही हैं हमारे देश में, और काफ़ी जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत राज्य भाषा की असमी, मेघल, ये सारी भाषाएं हैं। नेपाल की नेपाली हैं, काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु फिर भी हमारे देश में हिंदी भाषा का अपना अलग महत्व है। और हिंदी भाषा को और भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ाने के लिए काफ़ी साहित्यकार भी हुए, जैसे कबीर जी, अमीर खुसरो जैसी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन्होंने काफ़ी संतों ने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य की रचना की। गुरु नानक देव जी ने, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी, नामदेव जी, इन्होंने भी हिंदी भाषा में काफ़ी काव्यों की रचना की। आधुनिक युग में भी हुए सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, मुंशी प्रेमचंद जी, महादेव वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, हरिवंश राय बच्चन जी, काफ़ी इन सभी साहित्यकारों ने हिंदी भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी हिंदी भाषा का काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि आज़ादी के संघर्ष में स्वराज, स्वदेशी और सब भाषा पर बड़ा जोर दिया जाता था। महात्मा गांधी से लेकर सभी छोटे बड़े सभी को नेताओं का ये मानना था कि भारत में एक राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करना है तो देश भर में एक संपर्क भाषा होनी बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा लोग हिंदी भाषा जानते थे, इसीलिए हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। इस देश को एकता देश में एकता बनाए रखने और एकता बनाए रखने के लिए की क्षमता सिर्फ हिंदी भाषा में थी, क्योंकि इसे कम से कम 75% लोग समझते हैं। हिंदी ने कभी भी किसी भाषा का हक नहीं छूना। अंग्रेजी भाषा का हमारे देश में बड़ा प्रभाव है, परंतु फिर भी इसे बहुत कम लोगों द्वारा जानी व समझी जाती है। अंग्रेजी भाषा का भी हमारे देश में काफ़ी प्रभाव हो गया है। जैसे कि आप जानते हो, बैंकिंग में, वाणिज्य, तकनीकी में, अर्थ, ज्ञान विज्ञान में, मेडिकल की दवाइयों पर भी सभी अंग्रेजी में लिखा होता है। यहाँ की सड़क के साइन बोर्ड वगैरह भी होते हैं, वो भी अंग्रेजी में लिखे होते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में अंग्रेजी का ज़्यादा महत्व और हिंदी का कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में हिंदी की फिल्में ही ज़्यादा चलती हैं, न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, सभी ज़्यादातर इनकी ही हिंदी में ही ज़्यादा
बढ़ोतरी है, डिमांड है। हिंदी भाषा जैसे कि एक ऐसी भाषा है जैसी बोली जाती है वो वैसी ही लिखी भी जाती है। इसके विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हिंदी भाषा का जैसे कि हमें कोई मैरिज कार्ड वगैरह होते जो निमंत्रण आमंत्रण के लिए भेजते हैं वो हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में लिखवाने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई पत्रकार हो पत्रकार औपचारिक अनौपचारिक रूप में जो लिखते हैं सूचना पत्र हो वो हिंदी में लिखें ताकि हिंदी का भी महत्व बना रहे और हिंदी का प्रयोग प्रचार प्रसार में भी अधिक हो। हिंदी की लिपि जैसे कि आप जानते हो देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। हिंदी भारत में सब दूसरे नंबर की बोली है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दुनिया में दूसरे नंबर की बोली है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी एक फोनेटिक है यानी कि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि है जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। भारत में 1650 बोलियाँ और भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें से कई हिंदी से आई, जैसे खड़ी बोली, सर हिंदी, मुंबई हिंदी, ब्रिज, अवधि, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, सभी भाषाएं। जहां तक कि पाकिस्तान नेपाल में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से हिंदी भाषा का अपना बहुत महत्व है। इस पाठ को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद आपने हिंदी भाषा का महत्व एक निबंध तैयार करना है। धन्यवाद।